हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और अभी है सुबह का टाइम। सो के उठने के बाद मैंने बिस्तर किया है और उसके बाद मैं बाहर से जो सूखे हुए कपड़े होते हैं वो मैं बाहर से लेके आई हूँ। और उसके बाद मैंने तय भी कर दिए थे, बट नायरा मायरा ने फिर से ये ख़राब कर दिए और मैं बस जो मॉर्निंग रूटीन के जो काम होते हैं वो कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मायरा मेरे पीछे पीछे घूम रही है रोते रोते, और नायरा ने जो मैंने कपड़े जो तय करे थे वो सारे ख़राब कर दिए हैं। और जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो नायरा बिल्कुल अटेंशन सीकर है, तो वो ना कैमरे के आगे ही रहेगी और बिल्कुल उसके आगे कुछ ना कुछ करती रहेगी हरकतें आपको दिखाने के लिए। नहीं, क्यों कपड़े नहीं पहनने होते? कपड़े तो पहनने होते हैं ना, चलो जल्दी पहन लो, वो बाबा आ जाएगा नहीं तो। अच्छा वो देख लो फिर, देख लो। जल्दी पहनो कपड़े, सुंदर सुंदर। वो देखो देखो, नायना ने पहन लिए ना कपड़े, नायना ने पहन लिए ना कपड़े। अब आपकी बारी है। ओके अब ठीक है, वो देख अब इधर इधर अले मिला बेबी, अले मिला। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल है ना, गुड गर्ल है ना। अभी तो रोटी खानी है, रोटी खानी है। ओके रुक जा, वो देख ले, हाय तो कर ले, हाय कर लो, हाय पास करो कैमरा, अब पास करके अब बोल लो हाय, हाय हाय। अभी हम रोटी भी खाते हैं, है ना, आप अच्छे बच्चे हो ना, रोटी खाते हो, है ना बाबू। ये देखो आज हम खाएंगे दाल का पराठा और भिंडी की सब्जी। ओके चलो आ करो, गुड गर्ल, ये लो आ करो, गुड गर्ल। मेरा बेबी रोटी खाता है, चर्चा है। अब आप फोन में लगी होगी क्या, फोन में लगी रहोगी दोनों की दोनों। इधर देखो ना, मेरी तरफ भी देख लो, सोने का के, सोने का के, सोने का के। बाल खराब हो गए, आपके हेयर खराब हो गए बेबी। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वेरी गुड, ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। आपने कौन सा कलर पहना है और मम्मा ने कौन सा कलर पहना है? नो, पिंक। वेरी गुड, पिंक कलर, पिंक, यस पिंक, तो पिंक। ये ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। नायरा मायरा ने थोड़ा सा खाया उसके बाद छोड़ दिया है, वो मैं खा रही हूँ। और आजकल थोड़ा सा टाइम रूटीन जो है थोड़ा सा खराब ही चल रहा है। सो, अभी मैंने नहाया वाया कुछ नहीं है, मैं नाश्ता कर रही हूँ पहले। और झाड़ू मैंने लगा रही थी, आधे में ही रुक गई है क्योंकि इनको मैं
खिलाने लग गई थी, इनके कपड़े चेंज करने लग गई थी। सो मैंने अभी अपना स्किन केयर किया है, सिर्फ टोनर लगाया है और क्रीम लगाई है अपनी कोकोनट वाली गुड वाइब्स की। और इसके बाद मैंने लिप्स पे लगाया मेबलिन का लिप बाम और सिंदूर लगाया है, बस और कुछ नहीं। मैं डेली यूज़ कुछ मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ, जब मुझे कोई वीडियो शूट करनी होती है या मुझे बाहर जाना होता है तभी मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ। और आप देख सकते हैं मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती बिल्कुल भी डेली में। ना बाल आजकल बड़े रफ रफ से हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ आज कोई हेयर मास्क बनाऊँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी मैं हेयर मास्क अपना। तो मेरी हेयर्स बहुत ज़्यादा मुझे रफ लग रहे हैं आजकल। अच्छा माँ बनाना खाना है, ओले मिलो बेबी, रुको 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 ये लो बनाना। वाटरमेलन दोनों काट लिए थे? नहीं एक बचा है, ले काट दो वाटरमेलन खा लो। आ रही हूँ। आओ ये काट के देती हूँ। सो स्किन का ख्याल रखने के लिए आपको एक टिप्स और दूंगी मैं कि आप फ्रूट्स खाएं, पानी पीते रहें, हेल्दी खाना खाएं। हाँ जी आई, पता है फ्रूट्स हमें डेली खाने चाहिए और सीज़न वाइज तो ज़रूर खाने चाहिए, जो भी सीज़न में आपके जो भी फ्रूट्स मिल रहे हों वो ज़रूर खाएं। सो यहाँ पे मैं काट रही हूँ गांठ गोभी जो कि हम डिनर पे बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे काटती हूँ सब्जी। और मायरा नायरा को बिज़ी करने के लिए मैंने उनके हाथ में दे रखी है नमकीन, तो दोनों जिससे कि खाती भी रहें और लगी भी रहें। इतने एक छोड़ दूं क्या वरना? क्या नहीं, सारे नहीं, काट, सारे काट दूं ना, पत्ते बहुत हो गए हैं, पत्ते ही आएंगे बेटा, ये निकाल लियो। फिर ये तो कुछ टेस्ट ही नहीं आया इस तरह का, बस और ये वाले पत्ते अलग रख ले। ये अलग रख दूं? हाँ काट के, ठीक है ये काट दूं। मैंने सुबह के टाइम पे शूट किया था और उसके बाद फिर मैंने सीधे ये मैं शाम का शूट कर रही हूँ और मैं दिन विन का शूट नहीं कर पाई थी। और ये आप देख सकते हैं मैंने अब नाइट वाले कपड़े वापस पहन लिए हैं और ये पैंट जो है मैंने अपने सूट की पहन रखी है। सूट में कंफर्टेबली दिन में सो नहीं पाते या रेस्ट नहीं कर पाते तो मैं अपना नाइट वाला ही पहन लेती हूँ। सो कैमरा मेरा ऑन था और मेरे को आवाज़ लगाई तो मैं किचन में काम करने चले गई थी। और आप देख सकते हैं कि नायरा मायरा कैसे खेल रही हैं अपने आप में ही। और जब मैं किचन से वापस आई तो मुझे अपने बिस्तर का हाल मिल गया था क्योंकि ये तो मैं किचन में थी ना जब इन्होंने ये सब किया। ये क्या किया, ये क्या किया तुमने, ये बिस्तर का क्या हाल कर दिया भाई, क्या कर दिया ये। कितनी खुशी मिल रही है ना बिस्तर खराब करके, पापा डांटेंगे, पापा डांटी डांटी करेंगे अभी। मायरा अब नमकीन कैसे खा रहे हो, आपको स्पून दे तो रखा है, स्पून दे रखा है, आप स्पून से क्यों नहीं खा रहे हो, ये कैसे खा रही हो, भगवान बचाओ मुझे। सो
सो डिनर में हमने बनाया है भिंडी और प्याज मसालेदार, जो भिंडी और प्याज की सब्जी है वो बनाई है हमने, और मैं इसकी रेसिपी नहीं दे पाई हूँ। और जो मैं कट कर रही थी अभी आपने देखा, वो होता है गांठ गोभी, गांठ वाली गोभी बोला जाता है, तो वो मैं बता रही हूँ आपको कैसे बनाया। हमने लिया है ऑयल और जीरा ख़त्म था तो हमने साबुत धनिया डाला है, और हमने पेस्ट बना लिया था, प्याज लहसुन अदरक मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना लिया था, ये हमने डायरेक्ट डाल दिया। ये पता है क्या है, जल्दी वाली सब्जी है, ये जल्दी जल्दी कैसे बनाएं, तो सब कुछ एक साथ पेस्ट बना लो और उसके बाद उसको डायरेक्ट डाल दो। उसके बाद हमने इसमें नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, हल्दी डाल दिया, जो बेसिक मसाले होते हैं मतलब वो डाले हमने, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, और उसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ऑयल लूज़ आउट होने तक। सो जब हमारा मसाला भुन जाएगा अच्छी तरीके से, हम उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, और मसाला भुनने के बाद हम उसमें जो हमारी कटी हुई सब्जी थी वो हम ऐड कर देंगे। और ये गाइस दो तरह से बनती है सब्जी, एक सूखी बनती है और एक थोड़ी सी तरी वाली बनती है, तो हमने थोड़ी सी तरी वाली बनाई है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है हमने। और आज हमारे डिनर में बने थे सूखे आलू, इसकी रेसिपी भी नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं बच्चों के साथ बिज़ी थी तो मैं ये सब शूट नहीं कर पाई, और बस मैंने ये थोड़ी सी डिफरेंट सब्जी थी तो मैंने शूट कर लिया, और ये मसालेदार वाली भिंडी है प्याज वाली। और बस हमने अब उस सब्जी में पानी ऐड कर लिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम उसमें सीटी लगा लेंगे। सो अब हमारी सब्जी बन के रेडी है, आप देख सकते हैं ये हमने रसे वाली बनाई है, आप इसे सूखी भी बना सकते हैं बिना पानी ऐड करे। मेरा पूरा दिन बस बच्चों के साथ बिजी निकलता है, और देख लीजिए बच्चों के साथ साथ ना मेरे पैर में भी चोट लग गई, और मैं पूरे दिन ऐसे ही कुछ ना कुछ चोट वोट लगती रहती है इधर उधर चलते फिरते। और यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े चेंज कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों ने अपने कपड़े गीले कर लिए थे बाथरूम में जाके, बार-बार भाग रही है। और बस अब मैं उनको चेंज कर रही हूँ। अम्मा दादी मैं बाबा को बुला के क्या तो फिर और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ने नमकीन गिरा दी थी बेड पे, तो अब इन दोनों के कपड़े चेंज करने के बाद मैं बेड सेट करने लग गई, तो सारी नमकीन बिस्तर को मैंने झाड़ा, और उसके बाद फ्लोर पे भी सारी नमकीन नमकीन हो गई थी, तो वो भी मेरे को झाड़ू लगानी पड़ी उसके बाद। सो उसके बाद मैंने अपना बेड किया है, तो आज मैंने आपको थोड़ा अनकट दिखाया है सब कुछ कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, या मतलब मैं आपको नॉर्मल सा दिखाती थी तो आपको मैंने थोड़ा सा लाइफ अपना दिखाया कि कैसे मैं बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ सब कुछ, और बहुत बिजी रूटीन होता है, नहीं इतनी जल्दी वीडियो शूट कर पाती हूँ या एडिट कर पाती हूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना डिनर, और मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।